नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिंह न्यूज ट्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम वाराणसी के एक स्कूल में खड़े हैं जहां चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने की कामना के साथ आज बच्चे जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे ठीक पीछे इसरो का बड़ा सा चित्र बनाया गया है जिसमें चंद्रयान 3 मिशन से संदर्भित उस यान को लगाया गया है और साथ ही ये स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनके अंदर चंद्रयान 3 को लेकर के काफ़ी उत्साह भी है और हम उनसे बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गौरांगी अस्थाना। चंद्रयान 3 के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। चंद्रयान 3 क्या कहेंगी, मतलब आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए? चंद्रयान 3 मनाने के लिए। चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 3 क्या है आपको पता है? चांद पे अभी तीसरा रॉकेट हम लोगों का गया है। तीसरा रॉकेट, तो बच्चे भी इसके विषय में जानकारी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल अनजान हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मनवत्रा। कब से आए हैं आप? चलिए हम चलते हैं पहले, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कि एस्ट्रोनॉट बन करके खड़े हैं और चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता के लिए बच्चे आए हुए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? यथार्थ गुप्ता। चंद्रयान 3 के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते। चलिए एस्ट्रोनॉट बन के खड़े हैं चंद्रयान 3 आज शाम में 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है, तो क्या कहेंगे भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? बहुत अच्छी बात है, हम लोग के भारत की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। चलिए हम टीचर्स के पास चलते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, आज चंद्रयान मिशन को लेकर के आज जो 6:04 पे दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा, क्या कहेंगे भारत के लिए कितना बड़ा गौरवशाली पल है ये? मैं वाराणसी से हूँ और ये भगवान शिव की भूमि है, तो जैसे भगवान शिव के सर पे एक चांद है, आज भारत के मस्तक पे इस चंद्रयान के चंद्रमा पे उतरने के बाद एक चांद जुड़ जाएगा और मैं समझता हूँ कि मैं इससे बड़ी उपमा नहीं दे सकता कि ये हमारे लिए कितना बड़ा क्षण है। क्योंकि मैं विद्यालय चलाता हूँ, मैं विद्यालय प्रबंधक हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है ख़ास तौर से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ये आने वाले भारत का भविष्य है, इनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है। तो नई प्रणाली, नई चीज़ों के प्रति हम जितना इन्हें प्रेरित करेंगे, जितना इन्हें जागरूक करेंगे, कल यही बच्चे निकल के शायद इसरो में काम कर रहे हैं और किसी चंद्रयान का हिस्सा हों। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और मेरी कोशिश है कि मेरे ये बच्चे आने वाले भविष्य में बेहतर करें, देश के लिए कुछ बड़ा करें और आज का अवसर जो है उसको वो जीवन पर्यंत याद रखें। चंद्रयान 2 का मिशन जब फेल हुआ तो लगा कि जैसे हमारा स्पेस का जो पहिया था वो थम गया, लेकिन चंद्रयान 3 के बाद लोगों का, पूरे विश्व की निगाह इस समय भारत पर है। ज़रूर हमें निराशा हुई थी चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद, लेकिन मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा था कि अगर दोबारा ये इस प्रक्रिया में हम जाते हैं तो निसंदेह हम सफल होंगे और उस सफलता को फिर कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसरो ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि आज वो सबसे सफलतम संस्थानों में एक हैं और मुझे उम्मीद है मंगलयान के बाद तो फिर कहीं संदेह भी नहीं रह गया था कि हम इस सफलता को हासिल कर पाएंगे। रूस का जिस तरह से मिशन फेल हुआ उसको देख करके क्या लगता है कि भारत अपने मिशन को 100% सक्सेसफुली पूरा कर लेगा? निसंदेह कहीं शक नहीं है इस बात में, चूँकि बड़े प्रोजेक्ट जब भी हम करते हैं तो ईश्वर की कृपा से भारत की सफलता का दर अगर हम देखें बाकी देशों की तुलना में तो निसंदेह ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम जो जश्न सुबह मना रहे हैं ये जश्न रात तक जारी रहेगा, सफल रूप से हमारा चंद्रयान वहाँ उतरेगा और ये सफलता हम रात तक मनाते रहेंगे। इसमें लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई है, कई स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं शाम के 5:30 से लेकर के 6:15 तक के बीच में स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए हैं, तो आपके यहाँ भी कोई? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है, हमारे बच्चे आएंगे शाम में, अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर वो बच्चे वापस आएंगे और हम यहाँ अरेंज कर रहे हैं कि उस जश्न के उत्सव को हम सब लोग मिलकर
सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करें, हमारा ये प्रयास है। तो हमारे पीछे ठीक आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में तिरंगे का गुब्बारा लेकर के किस तरह से उत्साहित हैं, और बच्चे जो हैं चंद्रयान 3 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ आने वाली पीढ़ियों को जब तक जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक वो नहीं जानेंगे कि हमारा इतिहास क्या है, और साथ ही ये आज का जो गौरवशाली दिन है उसके बारे में नहीं जानेंगे। और इनको इसी बात की जानकारी देने के लिए आज स्कूल में इकट्ठा किया गया है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर्स समेत पूरा मैनेजमेंट इकट्ठा है। बच्चों में इसको लेकर के काफ़ी खुशी है, और साथ ही हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शक्ति कुमार चौबे। चंद्रयान 3 को लेकर के क्या आप अपना अपना क्या? हाँ सर, चंद्रयान 3 के लेकर सर ये भारत के भाग्यपूर्ण है जो वहाँ पे हम अभी कुछ ही समय बाकी रह गया है और इस उपलब्धता का हासिल कर लेंगे, ताकि सारी दुनिया इस पे अपना रिसर्च कर रही थी, सब कुछ कर था। हमारा देश पहला बनने वाला है कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटों बाद भारत पहला देश होगा, पहला देश होगा। और रही बात कि उत्साह की, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है जो हमारे मन में व्यथा चल रही है। और तो ये थे हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे और साथ ही समस्त स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, और हम बच्चों के बीच में चलते हैं, थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम दुबे। कितनी खुशी है आज के दिन को लेकर? बहुत खुशी है, क्योंकि अब पहली बार सक्सेसफुल होने वाला है। पहला भी सक्सेस होने से 5% रह गया था, और दूसरा भी होने से रह गया था, लेकिन ये कन्फर्म है कि सक्सेस होगा। 6:04 का जो पल है वो पल आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत खुशी है कि इंडिया मून पर, चांद पर जा रहा है, और हम लोग सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करेंगे। प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को एक बैलून दिया है और ड्राइंग बनाने के लिए दिया था चंद्रयान के लिए, तो हम लोगों ने वो बना के लाया भी है। आपके स्कूल में आज इसरो का बनाया गया है, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है वो पूरा डेमो बनाया गया है। यस, वो बनाया गया है क्योंकि हम लोग उसको देख सकें और समझ सकें कि वो कैसे बना है, इसलिए वो बनाया गया है। ऐसे तो कैसे आप लोग एंजॉय करेंगे? हम लोग बहुत खुशी से एंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम विष्णु है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th class। 8th। तो चंद्रयान 3 को लेकर के क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 कर को लेकर हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग के भारत को इतनी कामयाबी मिल रही है, क्योंकि आज हम लोग के यहाँ पे इतने अच्छे साइंटिस्ट लोग हैं, इसलिए। तो अभी अभी कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं कि बच्चे बलून उड़ाकर चंद्रयान मिशन 3 की सफलता की कामना कर रहे हैं, और बच्चों के अंदर का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रयान मिशन 3 जो शाम में 6:04 पे लैंड होने वाला है रोजर, वो अभी सफल होते दिख रहा है। काशी की धरती से सदैव से इतिहास लिखा जाता रहा है, और आज भी ये बच्चे इतिहास लिखने का काम करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए बच्चे सुबह से स्कूल में डटे हुए हैं, आप देख सकते हैं बलून उड़ाकर बच्चे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।